व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात में जो बैंड बजी है भाई, जो बारिश मिली हम लोग को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। रात में हम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया, हम लोग पूरा ऊपर तक जा रहे थे नैनीताल, बट इतना पिच ब्लैक था, बादल आ गए थे, इतनी तेज़ बारिश होती कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम लोगों ने बीच में ही एक छोटा सा होटल, गेस्ट हाउस जो भी कहेंगे, वो मिला था। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया, सब कुछ बिक चुका है। आपको दिखाता हूँ कि पहले आपको दिखाता हूँ नज़ारे बाहर के। रात में पूरा बारिश हो रही थी, सामने वाला पहाड़ कुछ नहीं दिख रहा था, एंड यहाँ पे इतनी तेज यहाँ ऊपर से पानी आ रहा था। और ये हमारी हालत देख ली है, मेरे जूते हैं, ये सात भाई के जूते हैं, हेलमेट के अंदर भी पानी भर गया था, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी राइडिंग जैकेट, बैग भी ऑलमोस्ट आधा भीग चुका था, अभी बाइक है नहीं, साथ शायद लेके गए नीचे कहीं। ऑल्दो हमारे पास रेनकोट और रेन कवर था, ये मेरे बैग का रेन कवर है, ये मेरा रेनकोट है, साथ का शायद अंदर है, बट एक टाइम पे बारिश इतनी तेज़ हुई कि ये रेन कवर और रेनकोट भी बचा नहीं पाए। ये लोकेशन है, हम लोग नैनीताल से अराउंड अभी 15-20 किलोमीटर दूर है, तो अभी देखना पड़ेगा। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ से नैनीताल जाएँ, देन वहाँ से आगे नंदप्रयाग एंड वो दूसरा रास्ता है जो गोविंद घाट जाता है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि नैनीताल स्किप कर दूँ, नैनीताल ना जाके हम लोग यहीं से ही रानीखेत वाला रास्ता है, रानीखेत होते हुए ऊपर वो नंदप्रयाग निकलता है। बट अभी पता नहीं, मौसम काफ़ी लग रहा है, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अभी तो मुझे सब साफ दिख रहा है, बट यू नो पहाड़ों का भरोसा नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। तो अभी एक काम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद ये सब पैक करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर ऐसे क्या करेंगे आई विल शेयर विद यू गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं रानीखेत के लिए, नैनीताल का प्लान स्किप कर दिया है बिकॉज अभी हम लोग को बहुत लंबा पूरा ये पूरा रूट है यहाँ से लेके कर्णप्रयाग। हमारा टारगेट है कर्णप्रयाग बिकॉज हमारा रूल है कि यार हम लोग अंधेरा होने के बाद वी आर नॉट ड्राइविंग। तो अभी इट्स अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग को जल्दी निकलना था, बट हमारा टारगेट है कि हम लोग शाम को अराउंड 7 या 8 बजे तक कर्णप्रयाग पहुँच जाएँ। तो टुडे वी हैव अराउंड 196 या 195 किलोमीटर्स है आज का पूरा हमारा ट्रैवल डिस्टेंस। इट्स अराउंड 10:30, अब देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। बारिश भी मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट, थोड़ी सी बारिश इस रूट पे आगे है, देखते हैं अगर बारिश होती कि नहीं। ऑल्दो प्रिपेयर्ड हम लोग, ये मैंने कल भी बोला था, बट कल क्या हाल हुआ था वो आप लोग देख चुके हो, पर देखते हैं। अब उससे बड़ा जो खतरा है वो है लैंडस्लाइड, बिकॉज ये एक्चुअली वो एरियाज नहीं है जो टूरिस्ट यूज़ करते हैं। ये जो रूट है ये रानीखेत तक तो टूरिस्ट जाते हैं, रानीखेत के बाद जो एरिया जैसे कुमाऊँ एरिया से गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे, ये पूरा एरिया पहाड़ों के अंदर छोटे 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 गाँव पड़ते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट उस रूट को टूरिस्ट नहीं यूज़ करते हैं। कुछ जैसे कुछ राइडर्स हो गए या बाइक एंथूजियस्ट हो गए जिनको पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करना है, वो यूज़ करते हैं, या फिर वो रूट लोकल्स के लिए है जो इन गाँव में रहते हैं। और ये फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है अभी भाई, बहुत रिस्की रूट है ये तो। गाइस हम लोग आ गए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे, इसका नाम मुझे नहीं पता है बट इट्स वेरी प्रिटी।
ये स्ट्रेट वाला नहीं है आई गेस, ये राइट टर्न है जो कर्णप्रयाग की तरफ निकलता है, कहीं पे बोर्ड नहीं लगा है बट आई गेस यही है। तो देखते हैं कि आज हम लोग अपना 200 किलोमीटर का मार्क पहाड़ों पे पूरा कर पाते हैं कि नहीं। नीचे तो बहुत इजी होता है, नीचे तो लगता है कि बहुत आसान है, बट पहाड़ों पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, बिकॉज हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं वो स्ट्रेट ऊपर या नीचे नहीं है, ये कंटिन्यूस अप डाउन रूट। आई मीन यू नो रानीखेत बहुत हाइट पे, हम लोग को पहले बहुत ऊपर क्लाइंब करना है, फिर रानीखेत से नीचे उतरना है, देन एक छोटा गांव पड़ता है, फिर ऊपर, देन अप डाउन। तो लेट्स सी के बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अगर इतना ज्यादा एल्टीट्यूड चेंज होगा, इतना ज्यादा वेदर चेंज होगा, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं इस पार्ट को हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। बाय फार दिस इज द मोस्ट डेंजरस रूट, बिकॉज यही रेंज है जो भोवाली रेंज है और यहाँ पे टाइगर्स बहुत दिखते हैं। तो साथ को मैंने बोल दिया कि भाई अगर शेर दिखे तो कुछ मत बोलना, मुझे इशारा कर देना और मैं ब्रेक मार दूंगा। और ये गाइस अब तक का सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रेच आया है, बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत ही अच्छा रोड है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने यहाँ पे भी कि इतनी अच्छी रोड मिलेगी। और तो आगे चल के थोड़ा सा पैचेस हैं, बट रानीखेत तक मुझे लगता है ऐसी रोड मिलेगी, सिर्फ रानीखेत यू नो आर्मी एरिया, कैंट एरिया है पूरा, तो आई गेस वहाँ तक तो मुझे रोड अच्छी मिलेगी, बट उसके बाद क्या हाल होगा आई हैव नो आइडिया। यहाँ पूरी राइडिंग गेयर पहन के मेरी चोक लग रही है और आंटी विदाउट हेलमेट विदाउट एनी सेफ्टी इतना स्पीड में भगा रही है। भाई हैट्स ऑफ टू आंटी यार, इनको देख के तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो भाई ये देखो इनको, तो भाई ये टर्न अन पे ओवरटेक कर रही है यार। आंटी यार प्रॉब्ली लोकल है और इनका रोज का काम होगा, यही रीजन है भाई, भगा रही है यार आंटी। वाओ हम लोग तो पागल हैं जो इतना गियर और पहन के जा रहे हैं यार। वो देखो वो एक्टिवा चला रही है, आराम से भगा रही है। तो यहाँ पर गाइस अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया हम लोगों ने, साथ इज डूइंग समथिंग विद द बंजी कॉर्ड, बैग में कुछ इशू हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। अभी हाइट मुझे पता नहीं कि हम लोग कितनी हाइट पे हैं, बट रानीखेत से ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स दूर है। बट आपको नज़ारे दिखाता हूँ पहले मैं। लुक एट द हाइट ऑफ दिस ट्री, आई डोंट नो ये पाइन ट्रीज है या कौन सी, आई एम नॉट श्योर, बट आप ये देखो आप लिटरली नीचे तक जा रहे हैं। गाइज इट्स अराउंड 12 और हम लोग रानीखेत पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। एंड अब यहां से मैं पीछे आराम से बैठूंगा, अब साथ में गाड़ी चलाएंगे, बट पहले उससे पहले कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मॉर्निंग में क्या खाया था मुझे याद नहीं, आई गेस चाय पी थी बस। और थोड़ा सा रूट प्लान देखेंगे और देखते हैं कि अब हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आई गेस हम लोग 8 बजे तक कर सकते हैं, बट आई जस्ट होप अंधेरा नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्रीज, कितना सिंक्रोनाइज वे में लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर रोड है ये। अभी भी आई गेस ये रानीखेत ही चल रहा है, बट हम लोग निकलने वाले हैं जैसे ही ये एरिया ख़त्म होगा, हम लोग एक दूसरे एरिया में एंटर करेंगे तो आगे चल के हम लोग को इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेके जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा रूट चेंज हो जाएगा बिकॉज अब हम लोग कुमाऊँ एरिया से आए निकल रहे हैं। अब यहाँ पे मैप पे मैंने देखा था छोटे छोटे गांव हैं, क्या नाम था, द्वारा हाट चौकुटिया, ऐसे छोटे छोटे गांव पड़ेंगे। तो देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी एक्सप्लोर करिए। Oh,
होप रोड्स खराब ना मिले प्लीज, क्योंकि अगर रोड खराब हुई और स्पीड ब्रेक हुई तो हम लोग अपने टारगेट टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे और अंधेरे में हम लोग पहाड़ों में घूमते रहेंगे एंड शेर आके हम लोग को खा लेगा एंड प्रॉबली लैंडस्लाइड में हम लोग बह भी जाएंगे। साथ वो एक गाना आया था याद है तुम्हें, कभी खुशी कभी गम का, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, रिमेंबर? तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि तुम खड़े हो और जमीन चलने लगी तो भाई वो प्यार नहीं है, वो लैंडस्लाइड है, मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं पूछ जाऊँ। थैंक यू। बहुत ही प्यारी रोड आ चुकी है भाई लोग, आप लोग देख सकते हो नज़ारे इंजॉय करिए, बहुत ही सुंदर रोड है, मज़ा आ रही है। एक प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा अप डाउन हो रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आई जस्ट होप कि सिंस इतना फ्रीक्वेंटली हम लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो ये हो रहा है, कैसे हम लोग थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा बॉडी को स्टेबल करेंगे, देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप राइडिंग करो या पहाड़ों पर आओ बहुत हैवी आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, स्पेशली अगर वो मैगी एंड ऑल दैट, मैं भी मैदा वाली चीज़ अगर आप खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, इसीलिए तुम्हारा भाई हमेशा प्रोटीन बार रखता है, बट सिंस बैक पैक है तो मैं डाल नहीं सकता हूँ। आगे मुझे बादल के साइंस दिख रहे हैं यार, बारिश हो सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पैक कर लें सब कुछ, हमारे पास सामान तो नहीं यार, मुझे लग रहा है मेरे हाथ में भूख पड़ी है साहब, क्या करें, रोक लेते हैं इससे पहले बारिश कुछ शुरू हो जाए, पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है तो वी थॉट कि हम लोग अपना रेनकोट निकाल लेते हैं, बैग्स को पैक पैक कर लिए। अब यहाँ पे छोटा सा एक चाय ब्रेक लेंगे, भैया थोड़ा सा हम लोग को आइडिया दे रहे हैं रूट का, हम लोग को यहाँ से किस साइड जाना चाहिए। दो रास्ते हैं कर्णप्रयाग के और एक दूसरा रास्ता है जो अलग निकलता है, तो अगर वो हम लोगों ने टर्न मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज एकदम से वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, बिकॉज हम लोग इतनी हाइट पर आ गए और यहाँ पर ठंड हो रही है। जब हम लोग नीचे से स्टार्ट किया था तो रानीखेत के पास इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी सडनली जब हम लोग ये द्वारा हाट वाले रूट पे आए हैं ऊपर, एकदम से ठंड हो गई है, बादल आ गए हैं, आई डोंट नो कहाँ से, एंड पहाड़ों का तो यही सीन है भाई कि एकदम से ठंड होगी, एकदम से धूप निकलेगी और एकदम से बारिश होगी। तो अभी साथ जो जैकेट नहीं पहने थे अब सडनली उन्होंने जैकेट भी पहन लिया, मैं सिंस मेरी राइडिंग जैकेट भी पहना हुआ, मुझे इतनी पता नहीं चल रही, बस मेरे हाथ में आई कैन फील कि काफ़ी ठंड है। आई डोंट नो कि ऐसी रहेगी या अभी फिर हम लोग नीचे जाएंगे और फिर से गर्मी होने लगेगी, तो आई डोंट नो। आज के दिन हम लोगों को काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, तो लेट्स सी। छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था अभी जब हम लोग डाउन हिल आ रहे थे, तो हमारा जो रियर ब्रेक था पीछे वाला ब्रेक, उसमें से धुआं निकल रहा था, तो मैंने वो एक शॉप पे दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जब डाउन हिल आते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रेक यूज़ होता है, तो सिंस ब्रेक शू वाला इशू उसने अभी एक टेम्प्रेरी जुगाड़ कर दिया है, तो अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जितना हो सके मैं ब्रेक कम यूज़ कर रहा हूँ पीछे वाला। पिछला 5 किलोमीटर का पैच तो पूरा डाउन हिल था, बट आई एम वेरी श्योर कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये फिर से हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ पे। हम लोग का टारगेट इनिशियली कर्णप्रयाग नहीं था, वो नंदप्रयाग था। लोग इस रूट से गढ़वाल एरिया में नहीं आते हैं, नैनीताल से कोई भी इस तरफ नहीं आता है। अगर आप कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जो पाँचों प्रयाग हैं, या ये जो जोशीमठ या औली वाला रूट है, यहाँ पर कोई भी इस रूट से नहीं आता है। यहाँ आने का रूट है कि पहले आप ऋषिकेश आओ, हरिद्वार आओ पहले,
हरिद्वार से देन आप आगे आते हो ऋषिकेश देहरादून, वो रूट है। जो नैनीताल वाला रूट है वो अलग है, वो पहाड़ पहाड़ पे है, वो लोकल्स ही यूज़ करते हैं, हर कोई नहीं यूज़ करता है। तो ये रूट भी अगर आप चेक करोगे यूट्यूब पे भी तो बहुत ही कम, आई गेस दो या तीन यूट्यूबर्स ही हैं जो बाइक एंथूजिस्ट हैं जो एक्सप्लोर करते हैं, वो सिर्फ दो लोगों को ही मैंने अभी तक देखा है जिन्होंने ये रूट किया है। तो ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है और बहुत कम ही लोग इस रूट पे आए हैं। बट आई कैन टेल यू कि बाइक से अगर आप आ रहे हो, अगर बाइक टूरिंग का आपको शौक है तो आप बिल्कुल इस रूट पे आ सकते हो। बहुत ही अच्छा रूट है, बहुत ही सुंदर व्यूज़ है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। बट देन अगर आप अकेले आ रहे हो, सोलो राइड पे आ रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एटलीस्ट आपके साथ, या तो अगर ग्रुप है आपका तो यू कैन वेरी वेल कम एंड एन्जॉय दिस रूट। वाओ गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये रोड आप देखो, साइड में सामने पहाड़ दिख रहे हैं, साइड में हमारे नदी साथ साथ चल रही है, सामने वो जो माउंटेन है उसके जस्ट पीछे कट रहे आगे, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट जो था अभी अराउंड 7:30, तो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। जस्ट लुक एट द व्यू, एकदम से सीन चेंज हो गया है। जब हम लोग आ रहे थे तो इतनी रोशनी दिख रही थी, एंड अभी आधे घंटे के अंदर सीन चेंज हो गया है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है व्यू के साथ, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो पैच है, जो ये जो लास्ट के 10 किलोमीटर जो हम लोगों ने कवर किया, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग। अब मेरी बैक ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है साथ को भी, एंड अब इसके आगे ड्राइव नहीं करेंगे, अंधेरा हो चुका है अभी। इट्स प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग जाके थोड़ा घूमें फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या। का जो रूल है कि हम लोग 7 to 8 hours, 7 hours से ज़्यादा हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेगी। प्लस पहाड़ों के ऊपर अंधेरे में ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ, तो 7 hours का हमारा टोटल टाइम है। तो पूरी ट्रिप पे ही हमारा टारगेट यही है कि हम लोग जहाँ तक भी पहुँच पाएँ, अगर अंधेरा हो गया है तो जो भी नियरेस्ट शहर या जो भी एरिया होगा जहाँ पे हम लोग को होटल मिलेगा, हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे, बट हम लोग अंधेरे में ड्राइव नहीं करेंगे, यही रूल है। इट डजंट मैटर हम लोग को 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, बट दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो विद दिस। गाइस अभी काफ़ी थक चुके हैं, तो मैं व्लॉग को यहीं पर अभी एंड करूँगा। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अगर व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज और भी व्लॉग्स इस सीरीज में मैं लेके आऊँगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अबे रुक जा भाई, मुझे तो आने दो, तो रुक जा भाई, तो मैं भी आ रहा हूँ।